चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हाल चल रहा है। मैंने आपको भाई आ गए एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई, न्यू अल्टीमेट जो हमारा आया है उसके अंदर जीरो यूसी पे हम भी क्रिएट ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड भी बातचीत करने वाला है, कोई तरीका कार है फिर कुछ, ठीक है, वो भी बताऊँगा। मगर एक और चीज़, इसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि उसने भी मैंने ये चीज़ नहीं देखा था कस्टम क्रिएट को। अब कुछ कमेंट भी आ गए थे और दोस्तों ने भी कहा था कि पश्तून भाई ये चीज़ लाजमी से तुमने डालना चाहिए या फिर किसी और वीडियो के अंदर भी तुम डाल सकते हो। इसे जो है ना, बंदे को यूसी भी सस्ती मिलती है और चीज़ें भी मिल जाती है एक्स्ट्रा, और वो वाली फ्री वाली यूसी भी उठा सकती है जो इवेंट के अंदर है। तो इसे रिलेटेड भी बातचीत करने वाले और अल्टीमेट से रिलेटेड भी बातचीत करने वाले कि भाई कितनी यूसी लगेगी, 40,000 या फिर 50,000, या जो क्रिएट ओपनिंग मैं करता हूँ उसका क्या सीन होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वॉचर का ही क्रिएट ओपनिंग करूँगा, तो चलो भाई उससे रिलेटेड भी बातचीत करने वाले। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, इधर जो है ना लास्ट वन अगर तुम खरीदते हो तुम्हें सस्ता मिल जाता है, कुल मिलाकर 1998 पाकिस्तानी करेंसी पे तुम्हें देखने को मिल जाता है। एक हिसाब से कुछ ज़्यादा ही सस्ता है। इधर जो है ना तुम देख सकते हो, इधर जो है ना जीरो इन्वेंटोरी शो कर रहा है। इसका स्किन वैसे भी मुझे चाहिए क्योंकि अचीवमेंट के अंदर भी यही इस केस है, और प्रीमियम के क्रेडिट मैंने ची उठाए भाई, बेस्ट डील है, ठीक है। और रेडियो मैंने इसलिए उठाया क्योंकि रेडियो से जो है ना एक और अचीवमेंट भी है जो तुम्हारा कंप्लीट होता है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको कर दिया परचेस, क्योंकि भाई अगर मैं ये उठाऊँ 600 इसे मुझे इधर से मिलने वाली है, ठीक है, इधर देख सकते हो। और इसके और भी जो एक्स्ट्रा रिवार्ड है वो भी मुझे इधर मिल जाते हैं, ठीक है। और साइड पे अगर बात की जाए, मतलब जो साइड वाले इवेंट वाले रिवार्ड है ना वो भी मुझे मिल जाते हैं। कुल मिलाकर 460 तक इसी जो है ना मुझे वहाँ से भी देखने को मिल जाती है। अब तो वैसे भी मैं सस्ता वाला क्रिएट ओपनिंग ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको भी परचेस कर लेता हूँ, जिस बंदे को इधर का कुछ अता पता नहीं है वो इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं भाई डायरेक्टली अल्टीमेट सीरीज से रिलेटेड। भाई भाषण आज ज़्यादा है, ठीक है, क्रिएट ओपनिंग जो है ना साइट पर, और तुम लोगों के लिए मैं लाजमी से क्लिप उठाता हूँ, ठीक है, ताकि भाई कोई आइडिया बंदे को हो जाए कि भाई कैसे हम कर सकते हैं, या फिर हो जाता है क्रिएट ओपनिंग हमसे या फिर नहीं होता, या फिर अगर हम यूसी लगाए मतलब कितने तक हमारी यूसी लग जाती है। तो अब ट्रेसर का ही कहानी इधर द एंड कर दे, फिर उसके बाद जाते यार ट्रेसर के लिए जो है ना मेरे पास ये कम है, इसके जो एक्स्ट्रा कार्ड है ना ये कुल मिलाकर अभी 3 और चाहिए और मेरे पास 2 ही रह गए। चलो ठीक है यार, वो तो वैसे भी कल सुबह एक और भी मिलने वाला है जो लुकिन वाला है। अब ये वाली चीज़ें इस बार मैंने सारे के सारे निकाल दिए, ओके 90 पे रुका है, और इसका जो है ना एक रह जाता है वो जो है ना बाद में ही हम देख लेंगे। बस इसकी कहानी जो है ना इधर करते ही एंड, इसका एक जो है ना रह जाता है, ये 95 पे रुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक लाजमी है, टोकना लाजमी से टोक देना, और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर भी लाजमी से फॉलो कर देना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इधर बात की जाए भाई वॉचर्स की, वॉचर जो है ना हर एक बंदे के पास पड़े होते हैं, ठीक है, वॉचर जो है ना हर एक बंदे के पास प्री वाले वॉचर्स इस वक्त पड़े होते हैं जो रॉयल पास के अंदर मिलते हैं, वो वाली जगह भी मैं बताता हूँ, ठीक है। दो स्पिन तुम इसके अंदर जरूर इसी पे करो, और इसके अंदर जो है ना ओल्ड चीज़ें यार नल्ले रहेंगे। सॉरी, सबसे पहले हेडफोन लगाओ क्योंकि मुँह से जो है ना कुछ निकल जाता है, फिर गाली वगैरह तो नहीं, फिर भी नाला बार बार सही नहीं होता है। तो अब अगर बात की जाए यार, पिछली बार हमें जिम के जो स्क्रेप मिले थे वो सही थे यार, इस बार जो है ना वो चीज़ें नहीं दिए। अरे भाई अगर इसको कोई बंदा देखे ना दिल गार्डन हो जाता है यार। M7 जो है ना बेस्ट लुकिंग है, वैसे भी निकालना चाहिए, इंशाल्लाह लाजमी निकालूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। मगर ओल्ड वाली चीज़ों से अगर बात की जाए, मतलब ओल्ड में से 2 जो है ना ये सीट आए हैं, और एक जो है ना ये वाला सीट आया है, और एक जो है ना ये लीजेंड्री आया है, इसके साथ एक हेड गियर मतलब मास्क भी है, ठीक है, ये वाला ये जो है ना ये ओल्ड आया। और इमोट इसका मेरे हिसाब से सही है भाई, जितने भी अल्टीमेट आए उनमें से ये वाला बस थोड़ा बहुत शशके में, ठीक है, स्लोमो में अगर कोई बंदा करे फिर बेस्ट रहता है। और सीट की अगर बात की जाए फीमेल पे जो है ना बेस्ट लुकिंग लग रहा है, ठीक है, ये वाला सीट मेल फीमेल तुम्हें दोनों के दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो अब अगर बात की जाए 10 सीसी वाला एक स्पिन कर लेते, और साइड पे डबो के अंदर भी एक बार देख लेते कि डबो के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैं वॉचर का भी बताता हूँ कि वॉचर का क्या सीन हो सकता है। अब देखो वॉचर जो है ना 3 टाइप के होते हैं, एक जो है ना इवेंट करने के, परसों जो इवेंट आया था डबो के अंदर तो इधर कुछ है नहीं, ठीक है, और एक जो है ना प्राइम प्लस के वॉचर होते हैं वो भी बेस्ट होते हैं, और एक जो है ना जरूर इसी वाले होते। अबे नहीं करो यार, 120 पे 100 मिल रहे और ये है 300 पे यार, 200 क्रेडिट इसके लिए खोलने होंगे। क्या बना दिया यार इन्होंने, इससे बेहतर वही
जिम वाला अल्टीमेट होता है यार, वो जो है ना वो बेस्ट रहता है, उसके अंदर जो है ना बंदे के अलग सही होते हैं। अब ये प्राइम प्लस वाले वाचर भी मेरे पास पड़े और ये जीरो ईसी वाले भी पड़े। अब जीरो ईसी वाला भी मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद इवेंट के थ्रू मतलब जितने भी कल नहीं परसों तुमने निकाले थे वो भी तुम इधर यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहते हो तुम, वरना इधर देखो अगर कुछ निकल गया फिर लगाओ वरना ना लगाओ, ठीक है। ये चीज़ भी सही है। अब एक जो है ना ये वाले वाचर, ये जो है ना ये रॉयल पास के अंदर मिलते हैं, हर एक बंदे के पास पड़े होंगे ये वाले वाचर जो है ना, हर एक बंदे के पास। सवाल में इसके वाचर दिखाता हूँ ताकि ये जो न्यू बंदे उनको जो है ना समझ नहीं आते। अब अगर तुमने इधर तक, तुम इधर तक आए हो, इधर देखो, इससे इसके बाद में भी एक है, ठीक है, 70 RP पे या फिर 75 RP पे कुछ ऐसा ही मिलता है, ठीक है। दो दो जो है ना, दो दो अल्टीमेट के मिल रहे थे, पहले दो अल्टीमेट की भी मिली थी जरूर जरूर इसी पे, हर एक बंदे ने क्रेट ओपनिंग किया था और ये दो भी मिल गए, ठीक है। अब ये जो है ना ये जीरो इसी का क्रेट ओपनिंग हो गए। अब अगर किसी बंदे का लक अच्छा था और कोई चीज़ निकल गया है तो कमेंट सेक्शन में मत बताना, ठीक है, फिर जो है ना इससे बंदे को बुरा लगता है कि तुम्हारा निकल गया और मेरा क्यों नहीं निकला। खैर बता देना, ठीक है, लाजमी से बता देना। अल्लाह करे यार कि तुम लोगों का ही कोई चीज़ निकले वो हमारे लिए भी बेस्ट है भाई। पबजी वालों से जो भी चीज़ें तुम छीन सकते हो लाजमी छीन लिया करो, मत छोड़ना, ठीक है। अब इधर मैंने इसका सस्ता वाला क्रेट ओपनिंग स्टार्ट किया। अब सस्ते वाले क्रेट ओपनिंग में भाई होता क्या है, अब इधर जो है ना मैं वाचर लगा रहा हूँ, वाचर पे जो है ना कोई खास चीज़ मुझे निकलता ही नहीं, ठीक है। अब इधर देखो इसका एनिमेशन भी इस बार कुछ खास नहीं है भाई, डायरेक्टली हमारे सामने आ जाता है एक कॉइन, तो अब कॉइन का अब इधर देखो इधर पेंट आ गया भाई, थोड़ा बहुत इधर के उधर होता हम स्किप करके स्किप पे क्लिक करते वो डायरेक्टली आ जाता अल्टीमेट पे, फिर मज़ा आ जाता भाई, कंटेंट भी बन जाता, मगर वो वाला कोई सीन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब इधर की अगर बात की जाए यार, एक 10 वाला कर लेते हैं। अबे नल्लो नल्लो ये क्या है यार, कोई मटेरियल तो डालो, कोई मटेरियल तो डालो, फिर बंदे को बुरा नहीं लगता है कि भाई 540 मैंने लगाई है, चलो एक मटेरियल तो निकला है। और कितनी इसे लगती है वो भी मैं बताऊंगा, 40,000 या फिर 30,000 कितनी लगती है वो भी मैं बताऊंगा, मतलब अगर तुम सारे के सारी चीज़ें निकालना चाहते हो तो। इसका तो मैंने बता दिया, M7 के लिए जो है ना 200 क्रेट लाजमी खोल लिया, अब आप लोग खुद ही हिसाब लगाओ कि कितने इसे लगेंगे M7 के लिए भाई, 200 क्रेट लाजमी। इससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि भाई 10-10 वाले करूँ, लास्ट तक लास्ट दिन पे इसका क्रेट ओपनिंग पूरा का पूरा करो और M7 निकालो। M7 को वैसे भी इंशाल्लाह मैं नहीं छोड़ने वाला, कोशिश ज़्यादा करूँगा निकालने की। इसका मैप एक बार चेंज कर लेते, मे भी यार हो सकता है कभी कभी जो है ना मैप से जो है ना बंदे का लक एकदम से ऊपर आता है, मगर इसके अंदर जो है ना वो वाला कोई सीन नहीं। जिस बंदे का लक अच्छा चल रहा था उसका भी कुछ नहीं निकला, तो फिर हमारा क्या होगा भाई। इधर देखो एक एक कॉइन दे रहे, अब एक एक कॉइन से बंदा करे तो क्या करे। अबे पेंट तो मत देना भाई, वैसे भी कलर भी रहता है स्टूडियो का उसके लिए सेम, अगर ये तो हम निकाल नहीं सकते। 3-3 कॉइन जो है ना एक हिसाब से बेस्ट है, और वाचर मेरे पास भर भर के पड़े भाई, वाचर इतने पड़े कि पूछो मत। इवेंट से भी मैंने निकाले थे, प्राइम प्लस वाली भी पड़े थे, जीरो वाली भी पड़े थे, यार इतने वाचर से कि पूछो मत। फिर भी यूसी लगती है, ठीक है, वाचर पे जो है ना थोड़ी बहुत यूसी तुम्हारी लग जाती है। अब वो वाला सीन कोई है नहीं कि भाई नहीं लगती, ये वाले जो है ना ये इवेंट वाले उधर भी यूसी लगती है, तो अब इधर जो है ना थोड़ी बहुत तुम्हारी यूसी बच जाती है अगर कोई चीज़ निकला है तो सही, वरना उधर जो है ना साइड के डब्बों के अंदर तो काउंट हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको सिंगल पे ही खोलता हूँ। क्या बात है यार, सिंगल पे तो कुछ निकलता है नहीं, मैं स्किप करके इसलिए खोल रहा हूँ ताकि भाई टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं इसे ही खोलूँगा तो भाई एक ही वीडियो 30 मिनट तक जाएगी क्योंकि वाचर ज़्यादा पड़े थे। क्या है पबजो वालो यार, कोई चीज़ तो दे दो, साला दिमाग ख़राब हो रहा है बंदे का। 10 वाला खोले क्या, 10 वाला खोल लेते हैं यार, हो सकता है मे भी कोई चीज़ निकल आए। अब तो वैसे भी इसके अंदर जो है ना सिंगल पे तो हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो इससे बेहतर यही है कि भाई बंदा 10 वाला खोले। सोच रहा हूँ नहीं, 10 वाला तो वैसे भी खोलेंगे क्योंकि भाई 10 वाले पे हो सकता है कि हमारा कोई चीज़ निकले, इमोट निकले या फिर M7 निकले भाई, और मुझे कुछ भी इसके अंदर नहीं चाहिए। 10 वाला खोलो एक। अरे भाई 10 वाला खोले यार, बार बार सिंगल पे क्यों आ जाते हो। एक और भी करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेते हैं 10 वाले भी। चलो भाई 10 वाले के अंदर ये चीज़ जो है ना ये सही है, मटेरियल मिल गया सही है बस, फिर जो है ना बंदे को इतना बुरा नहीं लगता है। चलो एक मटेरियल मिल गया 500+ इससे भी, उधर शॉप के अंदर भी मिल रहा है, इधर भी मिल गया, बस सही है यार। अगर इधर की बात की जाए कुछ ज़्यादा ही दूर है, वही वाली कहानी हो गई, 300 तक जो है ना तुमने लाजमी जाना है,
300 तक जो है ना तुमने लाजमी जाना है, फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ बनेगा, वरना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, कालिया बस ऐसे ही रहो। कुछ ज़्यादा ही दूर है, अभी जो है ना मैं 57 तक गया हूँ, और वो भी वाचर के थ्रू पे, मतलब वाचर मैंने इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी किए भाई, कुछ ज़्यादा ही दूर है यार। अब मेरे पास इसी कम है, अब तुम लोग बताओगे कि भाई इसी इसी तो 18,000 पड़ी है, अब वैसे भी अगर मैं लगाऊं तो 11,000 इसी में भी लगने वाली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन 7 के लिए, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा। तब इस क्लिप को देखो, ये जो है ना अमन भाई को मैंने बोला था कि भेजो, मैं बंदों को दिखाता हूँ कि भाई कितनी यूसी पे तुम्हारे निकला है, कुल मिलाकर 94,000 यूसी अकाउंट में पड़ी थी, और फिर तो बनी के लास्ट में 60,000 यूसी रह गए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, लाजमी से चेकआउट कर देना। चीज़ें जो है ना सारे के सारे भाई ने निकाले, ठीक है, मगर इसके अंदर जो चीज़ है, जो कहानी है, वो है भाई 34,000 यूसी लगी, ठीक है, 34,000 यूसी लगी है इन चीज़ों पर। तो भाई आप लोग खुद ही बताओ इसका क्रेट ओपन करना चाहिए अगर मैं, अगर मैं करूँ, मेरे पास तो इतनी इस वक्त है नहीं, तो इसलिए बेहतर मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जो अल्टीमेट आ रहा है, थोड़ी देर बाद में इसकी वीडियो अपलोड करूँगा अल्टीमेट मामी की, जो अल्टीमेट मामी सेट आ रहा है ना उसके साथ जो है ना दोनों के दोनों मामी सेट भी हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि उस पर यूज़ करूँ, इस पर यूज़ ना करूँ, क्योंकि इससे बेहतर जो है ना मुझे वो लग रहा है, और भाई अगर मामी सेट निकले ना फिर बेस्ट भी रहेगा, तो इसलिए मैं इस पर और नहीं लगाता। और ये वाला जो भाई M7 जो बैरल कास्किन है, इसके लिए लाजमी से मैं कुछ जुगाड़ बनाऊंगा और निकालूंगा, तो लाजमी इंशाल्लाह नहीं छोड़ने वाला, तो इसका स्पेक्ट मोड जो है ना एकदम जहर लग रहा है, और फाइनल प्रॉम तक ये वाला चला गया, ठीक है। तो अब ये वाला क्लिप इसलिए दिखाया क्योंकि भाई 34,000 यूसी लगी है, फिर भी अगर कोई बंदा चेकआउट करना चाहता है तो चेकआउट कर सकता है, मगर भाई इतनी यूसी अभी मेरा अकाउंट में, ठीक है, तो इसे बेहतर यही है कि मैं ना लगाऊँ और अल्टीमेट मामी के लिए यूसी बचा के रखूँ, ठीक है, कुछ दिन के बाद वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अब चीज़ों की अगर बात की जाए भाई, ओल्ड चीज़ों में से दो जो है ना ओल्ड सीट निकले, एक जो है ना ये वाला है और एक जो है ना इसके साइड पे, और एक जो है ना इसका ये हेड गियर है, दोनों के साथ जो है ना तुम्हें इमोट भी आईडी देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक जो है ना ये वाला इमोट है और एक जो है ना इसके साइड पे जो इमोट है वो वाला है। तो अब मर्जी आप लोगों की, जिस बंदे के पास ज़्यादा से ज़्यादा यूसी पड़े वो लगा सकते, और जो बंदे यूसी नहीं लगाना चाहते भाई वो रहने दो, ठीक है, अल्टीमेट के लिए बचा के रखो, अल्टीमेट मामे के लिए वो भी बेस्ट रहेगा। तो अब इसका ये देखो, तो ये चीज़ मेरे अजीज यार एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है, इसे इसका ये देखो, ऑन हेट इफेक्ट भी देखो, ये देखो, और लूट क्रिएट की अगर बात की जाए, ग्लोरियस मोमेंट की अगर बात की जाए, यार आप लोग के कमेंट सेक्शन में बताओ बंदे को क्या करना चाहिए, इसको निकालना चाहिए या फिर अल्टीमेट मॉम के लिए यूसी बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि यूसी जो है ना इतने ही निकाल दिया, दो पैक मैंने उठाए थे यूसी स्टेशन वाले, और अभी जो है ना मैंने ये कस्टम पैक वाली भी उठाए थे, बस उसके बाद मैंने कुछ उठाई ही नहीं यूसी। तो ये भाई सब इसकी प्री के प्री कहानी, एक्सक्लूसिव ट्रेसर का हमारा 1.5 वाला रह जाता था इस वक्त, इस बार फिर से हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेसर जो है ना पूरा का पूरा इस वक्त कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, ये के वाला सेट मिल गया, और बैकपैक जो भी चीज़ें थी इसके अंदर सारे के सारे मैंने निकाल दिए, ठीक है, और एक जो है ना मेरी वेपन का स्किन था जो एक नॉर्मल साइज मेरी वेपन होता है, और एक सेट की अगर बात की जाए सेट भी भाई एक लेजेंडरी सेट नॉर्मल साइज होता है, तो 10-10 यूसी वाले स्पिन भी मैंने किए थे, उसके अंदर कुछ खास नहीं निकला था, वरना वो मैं लाजमी दिखाता, अगर कोई अपग्रेडेड निकले या फिर मटेरियल निकल आए तो फिर वो मैं लाजमी तुम लोगों को बताता हूँ, एक जो है ना ये वाला सेट निकल आया था। तो ये भाई साहब हमारी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ठोक के जाना बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं अल्टीमेट मॉमी लीक्स के साथ साथ, ठीक है, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।